नमस्कार, जय माता की, जय भवानी, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। सनातनी नव वर्ष की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही चैत्र नवरात्रि की हार्दिक 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 शुभकामनाएं आप सभी लोगों के। माता रानी आप सभी लोगों के अंग संग रहते हुए समस्त जगत विश्व का, मानव जात सारी प्रकृति का रक्षा करें, धन धान से परिपूर्ण रखें। नवरात्रि प्रारंभ हो चुका है और आप सभी लोग व्रत भी रह रहे होंगे। आज तो प्रथम दिवस है, ठीक है, आज प्रथम दिवस है, आप नवरात्रि का व्रत होंगे। तो ऐसे में कुछ मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को कुछ अनमोल उपहार देना चाहता हूं। एक ऐसा उपहार जो जिंदगी भर आपको विषैले जीव जंतु से बचाएगा, अकाल मृत्यु से बचाएगा, साथ ही गुप्त शत्रु जो भयंकर वर्षों से आपके आपके परिवार के पीछे पड़े हैं उनसे भी बचाएगा। हनुमान जी स्वयं रक्षा करेंगे दत्तात्रेय जी की कृपा से, और उनके वचन के अनुसार हनुमान जी आपके आपके परिवार का स्वयं रक्षा करेंगे। ऐसी वीडियो, ऐसा उपाय लाया हूं जो कि बहुत ही सरल है, अचूक है, आप अपने घर में कर सकते हैं, प्रमाणिक है, क्योंकि आप जानते हैं मैं वही देता हूं जो आजमाया हुआ हो, प्रयोग किया हुआ हो, और हजारों बार उस चीज पर हम लोगों ने परखा हो। और सबसे बड़ा कारण है कि मैं नहीं चाहता हूं कि आप या आपका परिवार, आपका रिश्तेदार या कोई भी देशवासी तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पे एक रुपए किसी को दे। कोई भी मानता मत दीजिए, वो चाहे मैं ही क्यों ना, हमारी संस्था क्यों ना हो, किसी को मत दीजिए। हमारे वैदिक तंत्र मंत्र लोगों के कल्याण की भावना के लिए बनाए गए। हाँ, एक फर्ज है, अगर आप किसी काम के लिए लाखों रुपए फूंक चुके हो डॉक्टर को इधर उधर, और कोई बेचारा तांत्रिक मांत्रिक पंडित ओझा गुनिया आपका काम कर देता है बगैर कुछ लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि अपनी खुशी से कुछ ना कुछ उसको सप्रेम भेंट दें, ताकि उसके अंदर से अच्छी एनर्जी निकल के आपको आशीर्वाद दे। तो आज जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, इसको देखने से पहले एक निवेदन है कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे चैनल की लिंक दी गई है, और साथ ही एक बहुत ही अचूक उपाय जो अपने परिवार में एक नहीं है, कोई दूर चला गया नहीं आ रहा है, रूठ गया है, मान नहीं रहा, कहना नहीं मानता, डिवोर्स की नौबत है, सबके लिए अचूक रामबाण जो एक नहीं हजारों हजारों बार आजमाया गया और लाखों लोग इससे फायदा उठा चुके हैं, वो मैं पुनः दे रहा हूं, उसकी लिंक जरूर देखिएगा। और आपको कोई जरूरत हो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक का कॉल कर सकते हैं, आपको हमारे वैदिक आचार्य प्रचार आपको कॉल पर सही सलाह निःशुल्क देंगे। पूजन निःशुल्क, कुछ भी पूछिए निशुल्क, पूजन निशुल्क, कुछ भी पूछिए निशुल्क, आपकी कोई भी परेशानी हो समस्त परेशानियों का निवारण और उनको सुनना बताना अनुष्ठान पूजा इत्यादि समस्त सेवाएं सनातन धर्म के लिए विश्व के कल्याण के लिए हमारी संस्था हम लोग निशुल्क करते हैं, और ये आपका आशीर्वाद है। मैं चाहता हूं कि आप भी हमसे जुड़िए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आपका स्वागत है, आपको मैं प्रणाम करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि आपका परिवार, आपका जो फैमिली है वो धन धान से परिपूर्ण है, खुश रहे। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों को लाइक कर दीजिए और अच्छे कमेंट करिए। अच्छे कमेंट करने वालों को नवरात्रि में महाप्रसादी दी जाएगी, और जो जिनका ड्रा हुआ था ड्रा के माध्यम से जो अच्छा मैंने कमेंट जिनका नाम लिया गया था उनको यहाँ से कोरियर रिलीज कर दिया गया है, आप लोग स्वीकार करिएगा। ये छोटा सा मैं सप्रेम भेंट सभी को भेज दिया हूं। ये पहचान रहे क्या है, नजदीक से दिखा दूं, पहचान जाइए, ये देख लीजिए डंडी पेड़ पौधे, गूलर। क्या है ये? गूलर, इसको गूलर भी बोलते और इसको मराठी में दत्तात्रेय का पौधा बोलते हैं, उद्गुम्बर भी बोलते हैं, ठीक है, गूलर। इसके छोटे छोटे फल आते, पक जाने पे गुच्छे अंगूर जैसे आते हैं, और सफ़ेद वृक्ष, सफ़ेद इसकी शाखा रहती है, बहुत ज़्यादा ये मिल जाता है।
इसके साथ आप गूगल पर सर्च करेंगे गूलर का पेड़ कैसा होता है, उसमें भी दिख जाएगा। और ये उसका पत्ती है और डाल है। ये दत्तात्रेय क्यों कहा जाता है? ये पूजनीय पौधा है, बहुत गुप्त है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। अज्ञानता के उसमें इसको काटते चले जा रहे हैं, और जो काटते हैं उनको पीपल से ज्यादा भयंकर दोष इसमें लगता है अगर इसको जो काटते हैं। ये बहुत फायदेमंद, इसका फल खाने से जो व्यक्ति टीबी है, कमजोर है, औरतों के अंदर लिकोरिया है, तो इसके हरे फल, पांच पांच फल सुबह शाम खूब चबा चबा के खाएं, आधे घंटे तक कुछ पानी मत पिएं, तीन दिन के अंदर लिकोरिया रुक जाएगा। टीबी जिसको है वो एक महीने खा ले यो मोटा हो जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं इसके मुख्य। आपको ऐसा एक डाल लेना है जिसके अंदर 5 से 10 पत्ते लगे हों, और ये केसर लेना है, ठीक है, केसर की डिब्बी ऐसी आती ले लेना है। केसर की डिब्बी को खोलना, कुछ पानी डालना, इसको रगड़ते जाना, तो इसके अंदर जो रस निकलेगा यानी इसका जो स्याही बनेगा वो आप लिख लेना, ले लेना। अब इनके एक पत्ते पे आपको देखिए क्या लिखा है, ठीक है, ब्रिंग ये लिखना है, और एक पत्ते पे लिखना है अपना नाम, अपनी माता का नाम और दत्तात्रेय ओम, ठीक है, और एक पत्ते पे लिखना है का कापे अंक बिंदी कंग, बस ये तीन लिखना है। उसके बाद इधर सिंदूर लगा देना है, हनुमान जी वाला सिंदूर लगा देना है, और इसको ऐसे पकड़कर हनुमान जी की मूर्ति के सामने एक लड्डू का भोग लगाकर, ये शनिवार को कर सकते हैं आप, शनिवार या मंगलवार को शाम को 5 बजे के बाद, और सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच हनुमान जी की मूर्ति के सामने हनुमान बाहुक, जैसे बजरंग बाण हनुमान चालीसा उस तरीके हनुमान बाहुक का पाठ एक बार करके, फिर इसको ऐसे आप 5 बार घुमा लेना क्लॉकवाइज। ये फ्रंट कैमरा है, कभी कभी हो सकता है आपको एंटी क्लॉक लग रहा हो, क्योंकि फ्रंट कैमरे से वीडियो बन रही, इसलिए क्लॉक वाइज घुमा लेना 5 बार, और इसको पीले कपड़े में लपेट कर, पीले कपड़े में लपेट कर इसको या तो बहते हुए पानी में डाल दें, या इसी का वृक्ष हो उसके नीचे दबा दें, या आप इसको किसी भी फूलदार वृक्ष में ये गट्ठर बांध दें। अब इसका कमाल क्या होगा, ये भी तो पूछिए, इसका कमाल क्या होगा? इसका कमाल ये होगा कि आपको 24 घंटे 25 घंटे नहीं बल्कि 6-7-8 घंटे बाद इसके अंदर वो जबरदस्त इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जो लोग कहते हैं कि तंत्र मंत्र झूठा है, यह ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं इसको नहीं मानता हूं, हवा हवाई है, तो प्यारे दोस्तों, प्यारे हमारे आदरणीय सम्मानित सभी लोगों को मैं बता दूं, ना मेरा धर्म झूठा है, ना मेरा कर्म झूठा है, ना हमारे वेद झूठे हैं, ना हमारे मंत्र झूठे हैं, बस कुछ चंद जो हैं लोग जो एक गहरी साजिश के द्वारा वो नाम बदल के हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के कारण आप लूट रहे हैं, पिट रहे हैं, जिसके कारण सबको आप एक ही नजर में तौलते चले जा रहे हैं। तो निवेदन है, आइए हम आप संभलें और लोगों को, अपने बच्चों को, अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने जो परिवार के संस्कार हैं, अपने ऐतिहासिक चीजों को बताएं, इसका प्रयोग करिए, और लाभ में शत्रु बाधा आपकी तुरंत हटेगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, अकाल मृत्यु नहीं, शत्रु से रक्षा, भूत प्रेत की बाधा दूर, ठीक है, पैसे का आगमन बन जाएगा, बीमारी चली जाएगी, जो कुछ होगा यानी जिस हिसाब से होगा वो धीरे धीरे आपका अवश्य दूर होगा। हाँ, एक बात और है कि कुछ चीजें कर्मा अनुसार जो भोग है, आपने जो पाप किए उनका भोग भोगना ही पड़ता है, तो एक बार में कभी कभी ये चीज आपको, जब ऐसे आदमियों को कैसे पता चले कि हमने कर्म पाप कर्म किया है कि सत्कर्म किया है, इसके लिए मैं वीडियो अगली बनाऊंगा कि आपने पाप किया है कि पुण्य, किस बात की सजा आप भोग रहे हैं इस जन्म में, क्या अभी तक किसी ने नहीं बताया, नहीं तो मैं बताऊंगा। आप अपना आशीर्वाद इसी तरीके देते रहें, हमारी वीडियो को शेयर करते रहें, वंदे मातरम कहते रहें, अपने माता पिता की सेवा करते रहें। एक जरूरी बात,
बहन बेटी को कभी तकलीफ मत देना, भाई के साथ कभी दगा मत करना, और माँ बाप का कभी पैर मत छोड़ना, हाथ मत छोड़ना। चैलेंज है कि कभी किसी चीज की, अन्न धन पुत्र पुत्रादि लक्ष्मी के वैभव की यश की कभी कमी नहीं रहेगी। अगर इन चारों चीज में से एक भी आप अगर कर लिए, एक के भी पाप के भागीदार बन लिए, तो नरक के भागीदार बनेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।